हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। हमने यहाँ नेट की प्रिपरेशन के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स के प्रिपरेशन के लिए 11th क्लास की अकाउंटेंसी और मार्केटिंग को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग में दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है, और अकाउंट्स में 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हमने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर। ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं जो नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी बच्चा जो 11th क्लास का है या 12th क्लास का है जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, या फिर बीकॉम कर रहा है या फिर एमकॉम कर रहा है। क्योंकि जो हम नेट के एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, नेट के एग्ज़ाम के लिए या एचटेट पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस को कवर करते हैं, वो 11th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है। मास्टर्स के सिलेबस तक सभी सब्जेक्ट्स को हमें कवर करना होता है, तो वही हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग का, 11th क्लास की अकाउंटिंग का 5th चैप्टर। 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर है, पहला था नेचर एंड डिफाइनिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है। सेकंड में हमने उसका टर्म्स पढ़ी थी, अकाउंटिंग की टर्म्स जो अकाउंट्स में यूज़ होती हैं। और थर्ड हमने उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा था कि भी अकाउंटिंग सबकी, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की या जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी अकाउंटिंग को सेम और कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कन्वेंशन एंड कंसेप्ट। फोर्थ हमने अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे अकाउंटिंग की जाती है, और उसके बाद क्या बेसिस होता है अकाउंटिंग करने का, वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कुछ रूल्स जो जैसे हैं वैसे ही आपको फॉलो करने हैं। तो अकाउंटिंग का जो मेन काम था, अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, ये हमने देख लिया, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग की जब हमने डेफिनेशन या मीनिंग किया था तो हमने तभी किया था, अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन एम होता है जो उसके एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर्स में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स को भी आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड डाटा चाहिए, आपके इन्वेस्टर्स को चाहिए, आपके मैनेजमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, टैक्स अथॉरिटीज़ को चाहिए, इंप्लॉइज़ को चाहिए, ये सारे क्या थे, यूजर्स, इनको अकाउंटिंग डाटा चाहिए। तो अकाउंटिंग का काम है एक अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका काम है अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कराना, किसको, नंबर ऑफ पार्टीज को, जैसे इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को, जो भी हमने बताया है। ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी, ये इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग किसकी हेल्प से प्रोवाइड करवाता है, इसके लिए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेट में एक तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इनको बनाने के बाद ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इनके यूजर्स हैं उन तक डिलीवर करते हैं। अब मेन बात क्या थी, जो भी हमारा रिजल्ट होता है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स होते हैं, वो हम इनके थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने यूजर्स तक पहुंचा देते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि भी जो भी हमारे रिजल्ट्स हों, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो हमारे ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाए, ऐसे रिजल्ट्स होने चाहिए। अब जो, लेकिन कहीं भी कंपनीज एक्ट ने कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताया कि भी क्या ट्रू एंड फेयर माना जाएगा, किसे वो ट्रू एंड फेयर कहता है। इसीलिए हमें नीड पड़ी कि भी हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने दिखाए हैं, वो ट्रू एंड फेयर हो। उनके लिए ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गैप को हमने अडॉप्ट किया। गैप क्या था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारा ये गैप था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ हमने कंसेप्ट्स बोल दिया, कुछ को हमने कन्वेंशंस बोल दिया। इनके फॉर्म में हमने क्या किया, गैप को हम अडॉप्ट कर लिया कि इसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर दिखाएंगे। लेकिन इसका एक डिफिकल्टी क्या हुई, डिफिकल्टी ये हुई कि भी गैप आपको अलाउ कर रहा था ए लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। गैप में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे वो आपको एक ही चीज के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स का अलाउ कर रहे थे कि भी आपको अगर एक एंट्री करनी है तो उसके दो या तीन तरीके थे, तीन या चार तरीके थे, अल्टरनेटिव मेथड थे जिनके हेल्प से आप कर सकते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो एंटरप्राइजेस थी उनके रिजल्ट्स एक तो कंसिस्टेंट नहीं थे। कंसिस्टेंट का मतलब है, सॉरी,
कंसिस्टेंट का मतलब है, मान लो आपके जो इस साल के रिजल्ट्स हैं, जो अगले साल के रिजल्ट्स होंगे, आपने इस बार जो मेथड फॉलो किया किसी भी चीज़ को करने का, वो डिफरेंट यूज़ कर लिया, अगले साल आपने कोई और मेथड यूज़ कर लिया, उससे अगले साल कोई और, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है कि आप उन्हें कंपेयर कर सकें, उनमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरा, वो कंपेयरेबल नहीं रहे। कंपेयरेबल का मतलब है कि भी दो फर्म्स हैं जो सेम इंडस्ट्री में है, एक ही टाइप का बिजनेस कर रही है, अगर हमें उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है तो कब कंपेयर कर सकते हैं, जब उनके मेथड्स क्या हो सेम, लेकिन गैप अलाउ कर रहा था कि भी एक ही चीज को करने के कई तरीके थे। तो मान लो बी फॉर्म ने कोई तरीका अडॉप्ट किया है, ए फॉर्म ने कोई तरीका अडॉप्ट किया है, सी फॉर्म ने कोई और तरीका अडॉप्ट, क्या इनके रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो ये दो दिक्कत आई हमें गैप के बाद। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, जो उन्होंने कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस दिए, उनके बाद हमें दो दिक्कतें आई। एक तो हमारे जो रिजल्ट्स थे वो ट्रू एंड फेयर तो हो गए, ठीक है, उन्होंने रूल्स बना दिए, उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स दिए, उन्होंने कुछ कन्वेंशंस दिए, लेकिन उनकी वजह से उनमें एक कमी क्या थी कि वो एक ही चीज़ को करने के अल्टरनेटिव मेथड्स देते थे कि कोई भी यूज़ कर सकता है, एक चीज़ को करने के लिए अलग अलग मेथड से, उसकी वजह से कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी खत्म हो गई, उनसे हम ये दो चीज़ें नहीं कर पाए। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम ऐसा कुछ लेके आएँ जिससे हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट भी हो और कंपेरेबल भी हो, मतलब उनमें ईयर टू ईयर कंसिस्टेंसी भी बनी रहे, और अगर फॉर्म टू फॉर्म या हम अपने ही रिजल्ट्स को ईयर वाइज कंपेयर करना चाहें तो उन्हें कंपेयर भी कर सकें। इसकी वजह से हमने क्या किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे, मींस सारी कंट्रीज ने मिलके इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी को इस्टेब्लिश किया, जो 29 जून 1973 को अपनी फॉर्म में आई, जिसका काम था कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाओ, कुछ आप ऐसे स्टैंडर्ड्स दो, स्टैंडर्ड्स की वजह से एक चीज़ को करने का एक ही तरीका है, आपको उसी तरीके से करना है, और उसी तरीके से करेंगी जब सारी फॉर्म्स, तो कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी और कंपेरेबिलिटी भी आ जाएगी। जब हमने ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई 29 जून 1973 को, तो जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स है, ये भी इसका क्या था, मेंबर था। क्लियर? लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने क्या किया, इंडिया के खुद के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, स्टैंडर्ड्स भी हैं, जिनको बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पे ही बनाया है, उनको ही थोड़ा मॉडिफाई करके इंडिया वालों ने क्या कहा, पहले तो जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को हमने अपनी जो इंडिया की कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या जो हमारे इंडिया में प्रैक्टिसेस चल रही थी उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बना दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हम IAS बोलते हैं। क्लियर? तो इंडिया ने उन्हीं को मॉडिफाई करके जो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने बनाए थे, उन्हीं को इंडिया की कंडीशन और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इंडिया के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर दिया। अब है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग पढ़े कि भी क्या है इसका मतलब, तो सिंपल सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मे बी डिफाइंड एज, ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम इशू की जाती हैं बाय द इंस्टीट्यूशंस। कौन इशू करता है इनको, रिटर्न स्टेटमेंट्स जिनको टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम चेंज होता है तो हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी जो हमारे रूल्स हैं उनमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट्स जिनमें टाइम टू टाइम क्या आता रहता है, चेंज, और इस चेंज को कौन लेके आता है, बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर ड्रॉइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कह रहा है ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट्स जो टाइम टू टाइम ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो कुछ स्पेसिफाइंग सबके लिए यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस लेके आता है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो सबके लिए सेम यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, वो जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो लेके आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? फिर कह रहा है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें कि भी इनका नेचर कैसा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन द नॉर्म्स
ये नॉर्म्स का मतलब है रूल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के लिए रूल्स बनाए हैं, उनसे पता चलता है कि भी आपको हाउ द ट्रांजेक्शन इवेंट शुड बी डील्ड विद इन अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब आप अकाउंट्स बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को कैसे डील करना है, कैसे उनको शो करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे है कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर रखा है टर्म कॉस्ट को, और उसमें ये भी बता रखा है कि भी जब आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करोगे, मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करोगे, तो उसमें किस तरीके से करोगे। आप माइनर सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी कब, जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ हो। अदरवाइज इन्होंने जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कॉस्ट की टर्म को डिफाइन कर दिया और ये बता दिया कि भी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या मेथड होगा। जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कि आप या तो कॉस्ट प्राइस या फिर और मार्केट प्राइस, जो भी इनमें से लेस होगा उस पे आप क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे। तो ये हमें किसने बताया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, हमारे लिए रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि भी हर एक इवेंट और ट्रांजेक्शन को हमें अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील करना है, कैसे उसकी एंट्री करनी है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है इसका नेचर, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स बिकेम कंपेरेबल। और इनकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज थी उनको इन्होंने खत्म कर दिया और जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बिजनेस की, वो क्या होगी अब कंपेरेबल, क्योंकि यही तो उनमें कमी थी। जब हमने गैप को अडॉप्ट किया तो गैप की वजह से दो ही कमी थी कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, एक तो वो कंपेरेबल नहीं थी, एक वो कंसिस्टेंट नहीं थी। लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को, उनके जो इफेक्ट्स थे, नेगेटिव इफेक्ट्स थे, उनको खत्म करके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डिफरेंट बिजनेसेस की हैं उनको क्या कर दिया, कंपेरेबल। अब सब एक ही मेथड को यूज करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो फिक्स्ड हैं, सभी फॉर्म्स को उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। जब वो सब सेम ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब ने क्या किया है, सेम मेथड को फॉलो किया है। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें, दे प्रिस्क्राइब अ preferred accounting treatment from the available set of methods for solving one or more accounting problems. अगर कोई भी आपको accounting problem आती है उनके लिए इन्होंने preferred accounting treatment को बताया है कि अगर आपको कोई भी problem आए तो आप इस accounting method को या इस accounting treatment को ही follow करेंगे। तो अब किसी को ये नहीं है कि भी किसी को कोई problem आ रही है तो वो different method को use करेगा, किसी दूसरी firm को कोई accounting problem आ रही है तो वो किसी और method को use करेगा, या अपने हिसाब से कोई method apply करेगा। हाँ, उन्होंने प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया कि भी अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है तो आपको यही यूज करना है। उसके बाद है अकाउंटिंग के, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट के, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके जो यूजर्स हैं उनको जो स्टेटमेंट्स मिलती है, मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज टू द बेसिस ऑन विच सच स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। पहले जब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे तो जो यूजर्स है उसको यही नहीं पता चलता था किस बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाली हुई है। लेकिन अब यूजर्स के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डाटा है, उन्हें पता है कि भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें पता होता है वो किस बेसिस पे बनाई गई है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे वो बनाई गई है और कैसे उसका ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया गया है। तो उनके पास एक बेस है, ये पता है कि ये एंट्री अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है तो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे होगी, हम उस चीज से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख सकते हैं, फिर हमें पता चल जाएगी कि वो एंट्री सही है या नहीं। दे लिमिट द एरिया, लास्ट इसका है कि भी इन्होंने हमारे एरिया को कम कर दिया। पहले क्या था, अकाउंटेंट के पास ऑप्शन होता था, जब गैप था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे, कन्वेंशंस थे, तो उसमें अकाउंटेंट के पास एक लिबर्टी होती थी कि भी उसके पास एक ही चीज को करने के, एक ही एंट्री और इवेंट को, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के तीन या चार अल्टरनेटिव्स होते थे। लेकिन अब इसने क्या किया है, उनके जो अकाउंटेंट्स हैं उनके एरिया को लिमिट कर दिया कि भी उन्हें सिर्फ एक चीज के लिए एक ही मेथड को फॉलो करना है। मींस उनके लिए तो ये कैसे है, लॉ जैसे, कानून जैसे, कि भी ये
कानून है, ये फिक्स है, आपको यही फॉलो करना है. दे ओनली अटेम्प्ट टू लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी. इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भी अकाउंटिंग में रिजिडिटी आ गई है, कि भी अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं. रिजिडिटी का मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो टाइम टू टाइम कंडीशंस को और सर्कमस्टांसिस को देख के चेंज भी किए जाते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से अकाउंटिंग में रिजिडिटी आ गई है. इनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है एंड प्रोवाइड द अकाउंटेंट्स रियलिस्टिक गाइडलाइंस, कि भी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम किया जाए. क्योंकि अकाउंटेंट के पास एक ही चीज को करने के 3 या 4 अल्टरनेटिव थे, उसको कम किया जाए और जो अकाउंटेंट्स हैं उनको रियलिस्टिक गाइडलाइंस मिले कि आपके लिए अगर ये सिचुएशन आती है या इस चीज को आपको डील करना है, ट्रांजैक्शन को डील करना है, तो आप ये मेथड फॉलो करें. उनको रियलिस्टिक गाइडलाइंस हमने दी है. और अगर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस किसी एंटरप्राइज के पास आते हैं जिन पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते, तो अल्टरनेटिव जो प्रैक्टिस है जो मोर सुटेबल उसे लगे तो वो उसको भी अडॉप्ट कर सकता है. लेकिन किस केस में? जब कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस किसी भी फर्म के सामने आते हैं और उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, तो जो भी मोर सुटेबल उसको लगे कि ये मेथड या ये प्रैक्टिस मोर सुटेबल है, वो उसको अडॉप्ट कर सकता है. क्लियर? लेकिन अगर कोई भी डेविएशन आती है स्टैंडर्ड से, तो ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एडिकेट डिस्क्लोजर दे, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नीचे उसको डिस्क्लोज करे कि भी ये सिचुएशन थी और इसकी वजह से मैंने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अकाउंटेंट की. अगर स्पेशल सर्कमस्टांसिस में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ना फॉलो करके कोई ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है जो मोर सुटेबल उसे लग रही है, तो उसको डिस्क्लोज ना भी अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्लियर? लेकिन इससे क्लियर हो गया कि भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? लॉज की तरह हैं, जिन्होंने अकाउंटेंट की लिमिट को, एरिया जो था उनको लिमिट कर दिया, लॉज की तरह है उनके लिए. लेकिन इससे अकाउंटिंग में रिजिडिटी नहीं आई है, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल है, टाइम टू टाइम उनमें चेंज किया जा सकता है. और ये क्या है? प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि भी इस सिचुएशन, कोई भी आपको अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेफर करना चाहिए. इनसे हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या होगी है? फर्म्स की कंपेरेबल. एक फर्म की स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम दूसरी फर्म से क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. या एक ही फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको ईयर वाइज, ईयर टू ईयर भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट भी है और कंपेरेबल भी है. दूसरा, इन्होंने हमें रूल्स नॉर्म्स बता दिए हैं कि आपको कैसे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो उसमें उनको कैसे डील करना है. ये थी इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नेचर. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स मेरे ख्याल से आप इजीली बता सकते हैं. तो हमारा जो पहला ही ऑब्जेक्टिव था कि भी सबके, जितनी भी फॉर्म्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आए. मींस सभी फॉर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म हो, एक ही जैसे तरीके से बनाए जाएं, ताकि वो कंपेरेबल भी रहें और कंसिस्टेंट भी रहें. तो पहला तो आ गया कि भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए सभी फॉर्म्स की. दूसरा है टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पहले यूजर को यही नहीं पता होता था, जो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है यूजर, उसको यही नहीं पता होता था किस बेसिस पे अकाउंटिंग की गई है, कौन सा मेथड यूज किया गया है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भी यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कि भी कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए. तीसरा है टू इंश्योर टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस. और पहले हमारे यहाँ डाइवर्स बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिस थी, उनके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया गया, क्योंकि उनके जगह पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर दिया कि भी आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को अभी यूज कर रहे हैं उनको छोड़ के सबके लिए क्या कर दिया हमने? कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर दिए. इंश्योर कंसिस्टेंसी. अब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या सभी फॉर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी? कंसिस्टेंट भी होंगी, ट्रांसपेरेंट भी होंगी, कंपेरेबल भी होंगी, और हमने यहाँ बात कर ली थी यूनिफॉर्म की. यूनिफॉर्म तो होंगी होंगी. अब ईयर वाइज या हम कह सकते हैं ईयर टू ईयर या फिर फॉर्म टू फॉर्म वो क्या है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि सब सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं. उनमें ट्रांसपेरेंसी भी है, क्योंकि अब यूजर को भी पता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की वजह से ये एंट्री इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की गई है. और आप दोनों ही फॉर्म्स की, फॉर्म की या विद इन फॉर्म भी कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था.
और फिफ्थ है क्योंकि अब जो अकाउंटिंग अकाउंटेंट्स हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारी उस पर रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, मींस विश्वास भी बढ़ जाता है और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रिजल्ट्स शो कर रही हैं वो रिजल्ट्स ट्रू एंड फेयर हैं, क्योंकि वो किसके बेसिस पे की गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी एंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे की गई हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, रिमेनिंग पार्ट हम पार्ट टू में करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है दिशा क्लासेस पे तो प्लीज़ दिशा क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुँचे जिनको ये नहीं पता कि भी कहाँ से नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करना है या एचटेट पीजीटी कॉमर्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहाँ से करना है। और अगर आपके घर में कोई भी या आपके नोन में कोई भी 11th क्लास का बच्चा है जिसको नॉलेज चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो भी इन वीडियोज़ को देख सकता है। प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में एक क्लिक लगता है और हमें यहाँ कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। इस मैटर को तैयार करने के लिए आपको बहुत टाइम डिवोट करना, इन रिटर्न हमें सिर्फ आपका शेयर और सब्सक्राइब चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक्स।